सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 का नेम क्या था हमारा? फ्रैक्शन। और इसकी 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम एक्सरसाइज। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 भी हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, इसमें देखो हमें करना क्या है। Find the equivalent fraction of, हमें क्या करना है? Equivalent fraction क्या होता है? ये already हमने previous video में बहुत detail में explain किया था और हमने जाना था उसका importance क्या होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि बताओ equivalent fraction 4/11, ये देखो ये 4/11 लिखा है, थोड़ा सा हमारा वहां से हट गया है, 4/11 है। कह रहे हैं कि equivalent fraction बताओ 4/11 का, जिसका denominator क्या हो, 55 हो। तो देखना ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ए वाला पार्ट सबसे पहले, क्वेश्चन 5 का, क्लियर। तो देखो इसमें 4/11 लिखा हुआ है बच्चों, हमें इसका डिनोमिनेटर 55 बनाना है, क्लियर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, मुझे क्या बनानी है इसकी, 55 बनानी है। अब और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी रहना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे नीचे की वैल्यू 55 बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जानता हूँ 11 5 जा 55 होता है, तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और जो नंबर मैं नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 5 जा 20 हो जाएगा और 11 5 जा 55। ओके 11 5 जा क्या हो जाएगा मेरा, 55। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, 20/55। तो 4/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/55 हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 55 रहेगा, क्लियर। तो ए वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब बी वाला पार्ट भी करता हूं मैं। बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 4/11 ही था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए 24। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमें क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो मुझे अगर ऊपर 24 बनाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरा 24 आ जाए। तो 4 की टेबल में 4 6 जा क्या होता है बच्चों, 24 होता है। तो मैंने ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो 4 6 जा 24 और 11 6 जा 66। तो बी का आंसर आ गया मेरा 24/66, क्लियर। तो आप अप्रोच को समझ पा रहे हो कि हमें कैसे करना है, उसको समझने की कोशिश करो। सिर्फ हमें क्या करना है, सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है। सी वाला पार्ट करते हैं बच्चों। सी पार्ट में देखो क्या लिखा है कि 4/11 तो हमारा नॉर्मल है ही नंबर, और हमें इसका न्यूमरेटर 56 बनाना है। न्यूमरेटर हमें क्या बनाना है, 56। अब मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो 56 हो जाए। तो अब ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो मैं एक काम करता हूं, 56 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं। तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1 और ये 6 6 आ गया, 4 4 जा 16। तो 4 में अगर मैं 14 मल्टीप्लाई करूं ना तो मेरा क्या बन जाएगा, 56 आ जाएगा। या फिर 14 4 जा भी तो मेरा 56 होता है। तो 4 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14। तो अब अगर मैं ऊपर 14 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। इससे मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो 4 × 14 करेंगे 56। अब मुझे 14 को 11 14 जा भी तो निकालना पड़ेगा, तो 11 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आएगा मेरा 4 4 + 1 5 154। तो ये सी का आंसर हो गया, इतना आ जाएगा मेरा सी का आंसर, 56/154। ये रबर है तो मैं हटा देता हूँ। इसके बाद आते हैं बच्चों डी वाले पार्ट में। डी पार्ट में लिखा है कि 4/11 को मुझे बना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोमिनेटर मुझे 165 बनाना है, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू मुझे 165 बनानी है। तो मैं 11 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 165 आ जाए, तो ऐसे तो मुझे नहीं पता, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 11 1 जा 11, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, और ये 5 में नीचे उतारूंगा, 11 5 जा 55। तो 11 में जब मैं 11 में मैं 15 मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरा 165 आएगा।
तो मुझे 11:15 जा होता है। इसी तरीके से अब मैंने क्योंकि नीचे 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैं किससे करूंगा, 15 से ही मल्टीप्लाई। 15 फोर जा हो गया मेरा ये 60 और ये बन गया मेरा 165। तो ये डी का आंसर आ गया, क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है। तो ये जो आए हैं ये आ गया सी का आंसर, ये आ गया मेरा डी का आंसर, ये आ गया मेरा बी ए का आंसर और ये आ गया मेरा बी का आंसर, क्लियर। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है बच्चों क्या कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो शायद सेम ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 84/112 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर क्या हो 21। तो मैं लिख लेता हूँ 84/112। अब इसका न्यूमरेटर मुझे 21 बनाना है, न्यूमरेटर मुझे 21 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर मेरा है कैसे, वैसे अभी है मेरा 84, तो 84 को मैं 21 से एक काम करता हूँ डिवाइड करके देख लेता हूँ। सो आई थिंक 21 4 जा मेरा 84 होता है, क्लियर। 21 4 जा 84। तो मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, क्योंकि अब मुझे छोटी वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे सेम वैल्यू मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यू डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं 84 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 21 आ जाएगा, इस वजह से मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो क्योंकि मैं 4 ऊपर डिवाइड करूंगा तो 4 नीचे भी डिवाइड करूंगा, तो 84 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 21 आ जाएगा। अब 112 को भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं करके देख लेता हूँ। 4 2 जा 8 9 10 11 और ये 2 नीचे आएगा, 4 8 जा 32, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ए का आंसर मेरा ये हो जाएगा, क्लियर है। बी का करके देखते हैं। बी में देखो क्या लिखा हुआ है, बी में कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को 42 बनाना है हमें। तो इनिशियली मेरा 84/112 है ना, इसको मुझे क्या बनाना है, ऊपर वाली वैल्यू को 42 बनाना है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, डिवाइड करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे 42 बनाना है। तो मैं 84 को 42 से डिवाइड करूंगा, 84 को मैं 42 से डिवाइड, तो 42 2 जा 84 होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको 84 को, जब मैं, क्योंकि मुझे ऊपर 42 बनाना है बस, तो वो मैं कैसे डिवाइड करके, अब मैं ऊपर 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे भी 2 से डिवाइड करूंगा, 84 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 42 आ जाएगा, और नीचे मैं 112 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा, डिवाइड तो आप खुद कर सकते हो ना, आएगा 56, क्लियर। तो ये आगे मेरा सेकंड का आंसर, क्लियर है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पे बहुत इजीली आ जाएगा। अब कह रहे हैं सी वाले पार्ट में डिनोमिनेटर 84/112 है ना, कह रहे हैं डिनोमिनेटर बना दो, नीचे वाली वैल्यू 4 बना दो। तो मैं क्या करूंगा, फिर से 112 को 4 से डिवाइड करके देखूंगा, क्योंकि मुझे नीचे 4 चाहिए, तो 4 2 जा 8 9 10 11 3 बचेगा और ये 2, 4 8 जा 32। तो मैं 28 से डिवाइड करूंगा, फिर 28 से डिवाइड करूंगा, तो 28 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी मैं 28 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखते हैं क्या आता है, 84 को मुझे 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, 84 और 28। अब 28 की टेबल में आई डोंट थिंक कि 84 आता है, हाँ आता है, मीन्स 28 कितने जा 3 जा, ओके 28 3 जा 84। तो ये 24 को मैंने जब 28 से डिवाइड किया तो मेरा 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 112 को जब मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कंप्लीट। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का 7th 8th 9th क्वेश्चन जो हमारा रिमेनिंग है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।